हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं सभी? इधर उधर मत घूमना भाई, ठीक है? घर पे ही रहना और अपने पढ़ते भी रहना थोड़ा थोड़ा, ताकि आपका दिमाग चलता रहे। दिमाग चलते रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो। जिस जिस चीज़ से आप डरते हो, वो डर अपना दूर करो। मान लो कोई बच्चा फिजिक्स से डरता है, तो वो फिजिक्स में पढ़े। फिजिक्स में जो टॉपिक उसको डिफ़िकल्ट लगता है, वो टॉपिक वो पढ़े, ठीक है? किसी को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो केमिस्ट्री को अपने स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये चीज़ें आगे तक काम आएगी। कभी भी पढ़ा हुआ, मैं तो नहीं मानती कि पढ़ा हुआ कभी भी ख़राब जाता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, इवन न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ भी पढ़ लेते हो ना ध्यान से, तो वो भी काम आती है, ठीक है ना? और मैंने तो कई बार ये एक्सपीरियंस किया है कि इधर आपके जो रोड साइड पे पंपलेट लगे होते हैं ना, उनको भी अगर अपन ध्यान से पढ़ लेते हैं ना, तो वो भी कई बार काम आते हैं, ठीक है ना? तो कहीं पे भी कुछ भी पढ़ा हुआ, कुछ भी लिया हुआ, कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है ना? तो आप हमेशा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, उसको अपना अच्छा करते रहो, ठीक है? यही टाइम है, ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। देखें, बाईसीकरण अपन लोगों ने स्टार्ट किया था। बाईसीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो जो बच्चा डायरेक्ट इस टॉपिक पे आ रहा है, तो एक बार पढ़ लेना बाईसीकरण को। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि पिछली चीज़ों को रिपीट करें, फिर आगे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। चले, इसमें अपन ने एच पैरामीटर का डिस्कशन किया था। ये दोनों ही ग्राफ पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है? ये ग्राफ बेसिकली था क्या, ट्रांजिस्टर के लिए एक पर्टिकुलर उन्होंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे रखा है और फिक्स वोल्टेज कर रखी है, इसलिए इसको मानक वैल्यू बोलते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू है एच पैरामीटर ट्रांजिस्टर की, उसके लिए अपन ये ग्राफ खींचा है। एक तो एच आई ई और करंट में, और एक एच एफ ई और करंट में, और ये टेम्परेचर के साथ है, ठीक है? चलो, आज हम जो है बाईसीकरण में एक पर्टिकुलर बायस की बात करेंगे। और बाईसीकरण कई तरीके से होता है। बाईसीकरण सर्किट जो होते हैं ट्रांजिस्टर के लिए, जिसमें से सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो हम पढ़ रहे हैं, और वो है फिक्स्ड बायस। फिक्स्ड बायस, देखो बाईसीकरण में एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका पेपर में, बायस में से। अब वो चाहे फिक्स्ड बायस आए, या फिर इससे अगला जो मैं बायस कराऊंगी आपको, उत्सर्जक पुनर्निवेश या सेल्फ और अमीटर फीडबैक बायस करवाऊँ, ठीक है ना? उन दोनों में से कोई एक पक्का आएगा। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कौन सा है, उत्सर्जक पुनर्निवेश है। लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, की वो नंबरों का सेटलमेंट बिठाने के लिए छोटा क्वेश्चन डाल देता है, तो हो सकता है कि वो फिक्स्ड बायस भी पूछे। तो कुल मिलाकर दो बायस सर्किट पढ़ेंगे। हालांकि कई होते हैं, इस दो के अलावा भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही हैं, बुक में ही दो हैं, फिक्स्ड और एक ये सेल्फ अमीटर का मैं पढ़ाऊंगी आपको, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है? तो फिक्स्ड बायस अपन लोग देखेंगे पहले तो, और इसको ये भी बताएंगे अपन कि इसको फिक्स्ड ही क्यों कहते हैं। फिक्स्ड हिंदी में बोलते हैं नियत बायस, ठीक है? सबसे पहले तो इसका सर्किट इम्पॉर्टेंट है। सर्किट आप एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। दिखने में वो भले डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें, ठीक है? चलें, सबसे पहले मैं बायसीकरण का, मैं फिक्स्ड बायस का आपके लिए डायग्राम बना रही हूँ, वो ध्यान से देखना। ये लो, ये आपका मैं बना देती हूँ NPN, ठीक है? NPN ट्रांजिस्टर हो गया ना, पी से एन की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये अमीटर है आपका, ये बेस है आपका, और ये है कलेक्टर। यहाँ आपका इनपुट वोल्टेज होगा VI, इधर आपकी आउटपुट वोल्टेज VO, ठीक है? ये मैंने ग्राउंड कर दिया इसको, दिस इज ग्राउंड, ठीक है? फिर देखो ध्यान से, यहाँ से सर्किट आपका शुरू होता है। ये तो बेसिक सर्किट था। अब आपको ध्यान रखना है कि जो फिक्स्ड बायस होगा, उसमें यहाँ बेस पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं RB, ठीक है? यहाँ किससे, कलेक्टर से डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं हम लोड करंट, लोड रेजिस्टेंस सॉरी, उसको बोलते हैं RL, ठीक है? और ये जो है इस तरीके से यहाँ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? और ये किसे कनेक्टेड होता है, पावर सप्लाई VCC। तो VCC यहाँ पे पावर सप्लाई देने का काम कर रही है। देखो, ये तो VBB हो गया, है ना? और ये जो है आपका आउटपुट वोल्टेज हो गई, ठीक है? यहाँ आपका VCC है, ये सप्लाई वोल्टेज है, और प्लस VCC कनेक्टेड की हुई है हमने, ठीक है? यहाँ पे ये प्लस टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव, ठीक है? ये मतलब इससे कन्फ्यूज मैंने, कैपेसिटर है। कैपेसिटर बेसिकली क्या करेगा आपका, कौन सी वाले एक करंट को, डीसी एसी जो मिक्स्ड करंट आएगा ना,
आने वाला करंट, उसमें से वो क्या करेगा, एक ही तरीके के करंट को जाने देगा, बाकी दूसरे करंट को वो रोक लेगा। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, तो रेक्टिफिकेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये डीसी को जाने देता है, एसी को रोक लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम सर्किट में ना हो, इसलिए कैपेसिटर कनेक्ट किए जाते हैं इनपुट और आउटपुट सर्किट में, ठीक है ना, ताकि सर्किट को ख़राब होने से बचाया जा सके, एक ही तरीके का करंट जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये आरबी। तो फिक्स्ड बायस में क्या इंपॉर्टेंट है, बेस से कनेक्टेड ये रेजिस्टेंस, यही फिक्स्ड बायसीकरण का काम करते हैं, और एक है लोड जिनको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है पावर सप्लाई से, ठीक है। और बाकी तो सारे ठीक है, ये वी आई है, वी ओ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बी और ई टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज क्रिएट होगी दैट इज़ वी बी ई और वी, और यहाँ पे कौन है, कलेक्टर है, तो वी इसके बीच में जो करंट वोल्टेज जनरेट होगी वो होगी वी सी ई। समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ पे एक्चुअली प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, दिस इज़ प्लस टर्मिनल, दिस इज़ माइनस। देखो ना, माइनस तो कॉमन ही है, बाकी ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ठीक है ना। तो ये वी बी ई वोल्टेज है बी ई टर्मिनल के बीच में, ये वी सी ई वोल्ट है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, देखो इधर आई बी करंट जाएगा और इसमें आई सी करंट जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आपको बनाते बनाते याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो समझ समझ के बनाओगे तो नहीं भूलोगे, रट्टा मारोगे कि सीधा इस डायग्राम में एक लाइन यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, ऐसे तो फिर याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड बायस का ये सर्किट होता है, पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, काम कैसे करता है फिक्स्ड बायसीकरण में, क्या होता है कि ये बायसीकरण करने की सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड है, सबसे सरलतम विधि है, वो है फिक्स्ड बायस। अब इसका सर्किट आपने देख लिया, इसमें क्या करते हैं, अभी बताया मैंने, जैसे रेजिस्टेंस आरबी को पावर सप्लाई वीसी से जोड़ देते हैं, और एक ये आरबी क्या होती है, ये आईबी जो होती है ये एक्चुअली होता है फिक्स्ड करंट, यानी कि इस आरबी रेजिस्टेंस की सहायता से और इस पावर सप्लाई के थ्रू इस ट्रांजिस्टर के बेस में एक नियत मान की धारा पहुंचाई जाती है, और वो नियत मान की धारा कौन है, आईबी। इसलिए सर्किट को क्या नाम दिया जाता है, पहली बात तो फिक्स्ड बायस। फिक्स्ड बायस क्यों कहते हैं, नियत बायस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई या शक्ति प्रदायक के द्वारा आरबी के माध्यम से ट्रांजिस्टर के आधार में नियत मान की धारा पहुंचाई जाती है, फिक्स्ड करंट पहुंचाया जाता है। इसलिए इस बायसीकरण को क्या नाम दिया जाता है, फिक्स्ड बायस नाम दिया जाता है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा आउटपुट में यहाँ पे लोड कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। ये आरएल क्या काम करता है, ये क्यू पॉइंट को इस्टेब्लिश करने का काम करता है, ठीक है। तो क्यू पॉइंट को इस्टेब्लिश करेगा, हाँ वो मैंने आपको पिछले में बताया था, मैंने डायग्राम भी बनाया था आपका निर्गम अभिलाक्षणिक में, और बताया था तीन क्षेत्र होते हैं, सक्रिय क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र, कट ऑफ रीजन। और सबसे अच्छा क्यू पॉइंट कहाँ माना जाता है, सक्रिय क्षेत्र में। तो सक्रिय क्षेत्र में होगा कि अंतक क्षेत्र में होगा या फिर संतृप्त क्षेत्र में होगा, उसमें इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है, आर पॉइंट, क्यू पॉइंट का आर एल। बात समझ में आ गई। तो आर एल काम करेगा क्यू पॉइंट को स्थापित करने का, और आर बी क्या काम करेगा, नियत मान की धारा ट्रांजिस्टर के आधार में पहुंचाएगा। इसलिए इस सर्किट को क्या नाम दिया जाता है, नियत बायस या फिक्स्ड बायस। तो फटाफट से जितनी बात बोली है वो पहले लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखें फिक्स्ड बायसिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बायसीकरण की सरलतम विधि कौन है, नियत बायस है, ठीक है। हम लिखेंगे इन दिस बायसिंग अ फिक्स्ड करंट आई बी इज सप्लाइड बाय पावर सप्लाई वी सी सी थ्रू बेस रेजिस्टेंस आर बी इंटू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। हिंदी में बोल देती हूँ मैं, इस बायसिंग में, ठीक है, एक नियत मान की धारा आई बी वी सी सी पावर सप्लाई के द्वारा किसके माध्यम से, आधार रेजिस्टेंस आर बी के माध्यम से ट्रांजिस्टर के आधार में पहुंचाई जाती है। बात समझ में आ गई। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड बायसिंग।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नियत बायस कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, द लोड रेजिस्टेंस यानी कि लोड प्रतिरोध एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करता है, एस्टेब्लिश द क्यू पॉइंट एस्टेब्लिश दी क्यू पॉइंट, बात समझ में आ गई। और ये क्या काम करता है, एंड निर्गत वोल्टेज देता है यानी कि निर्गत धारा भी प्रदान करता है, कौन, लोड वोल्टेज, एंड गिव्स आउटपुट वोल्टेज यानी कि निर्गत वोल्टता प्रदान करता है, और साथ ही साथ क्या काम करता है, क्यू पॉइंट को एस्टेब्लिश करने का काम भी करता है। बात समझ में आ गई। अब फटाफट से देख लो, ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ से लेकर के ये पूरा है इनपुट और ये पूरा है बाकी का आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किरचॉफ का नियम लगा रही हूँ इनपुट पे, फिर लगाऊंगी आउटपुट पे, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले फॉर इनपुट लूप, इनपुट लूप पे लगाओ ज़रा, इधर से चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो इधर से चलेंगे, ये पूरा इधर से चलना स्टार्ट कर देंगे तो माइनस वी बी ई वोल्टेज, माइनस ऊपर जाएंगे तो माइनस आई बी आर बी वोल्टेज, ठीक है, प्लस वी सी सी, सही, इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी आप इस चीज़ पे मत घबराना कि मैडम वी आई क्यों नहीं लिया। अरे भाई, ये जो वी आई है इनपुट वोल्टेज, यही तो आगे यहाँ पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और आगे इस रेजिस्टेंस में जा रही है। समझ में आ गई। तो हमने कहाँ से लिया, वी बी ई आई बी आर बी रेजिस्टेंस, इस करंट से मल्टीप्लाई होगा तो वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये कनेक्टेड है किससे, पावर सप्लाई में, ये नहीं आएगा, ये तो आउटपुट में है। ठीक है, तो तीनों चीज़ ले ली, माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हूँ। इधर भी देखो, इधर मैं करंट नीचे है, मैं ऊपर जा रही हूँ, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, माइनस आई बी आर बी। ठीक है, फिर इधर वी सी सी तो प्लस ही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आई बी निकाल लो, यहाँ से आई बी कितना आएगा, ये सारा उधर ले जाओ तो ये आपके पास कितना आएगा, वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी आ गया। ठीक है, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर वन। अब वी बी ई जो है वो बहुत ही कम होता है, मिली वोल्ट कोटि का होता है, इसकी रेंज कितनी होती है, वी बी ई, और वी सी सी की रेंज होती है वोल्ट में, तो ये बहुत छोटा है, तो वी बी ई वी सी सी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, सिंस वी बी ई होता है मिली वोल्ट रेंज का और वी सी सी होता है वोल्ट रेंज का, देयरफॉर वी बी ई इज वेरी वेरी लेस देन वी सी सी। ठीक है, इसलिए इसको आप नेग्लिजिबल कर दीजिए, तो आई बी आपका नियर अबाउट आएगा वी सी सी अपॉन आर बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू, हालांकि ऑथेंटिक इक्वेशन ये है, लेकिन अपन थोड़ा अप्रॉक्सीमेट लेकर के चलते हैं फिजिक्स में हर बार प्रैक्टिकल पर्पज से, तो ये अपने पास कितना आ गया, वी सी सी अपॉन आर बी। ठीक है ना, तो अब ये जो आई बी का मान है ये फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, देखो वी सी सी पावर सप्लाई फिक्स है ना, पावर सप्लाई आप जितने की भी दोगे, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट आपको पता होगा। ठीक है, आर बी आपका फिक्स है, तो वी सी सी आर बी दोनों फिक्स है आपका, तो आई बी नियत धारा कहलाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड करंट। तो एक नियत मान की धारा हर बार पहुंचाई जाएगी ट्रांजिस्टर के बेस पर, इसलिए इस सर्किट को क्या नाम दिया जाता है, नियत बायस या फिर फिक्स्ड बायस। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, अब लगा देते हैं अपन हमारा किरचॉफ का नियम किस में, आउटपुट सर्किट में। ठीक है ना, फॉर आउटपुट लूप, अब जैसे हमने इनपुट पे लगाया था ऐसे आउटपुट पे भी लगाओ। आउटपुट लूप में अपन ऐसे चलेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव माइनस वी सी ई, फिर इधर कितना आएगा, माइनस आई सी इंटू आर एल, और फिर प्लस वी सी सी, समझ गए। ठीक है, चलो तो लिखो माइनस वी सी ई माइनस आई सी आर एल और प्लस वी सी सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये जो आई सी है, क्या मैं आई सी को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, एच एफ ई इंटू आई बी। अब जो बच्चे अब तक पढ़ते आ रहे हैं उनको समझ में आ गई होगी मेरी बात, वरना फिर समस्या आएगी। मैंने आपको पीछे ही, जो बच्चा सीधा आ रहा है वो एक बार पीछे जाए, ठीक है ना। मैंने ट्रांजिस्टर के लिए एच प्राचल पढ़ाए हुए हैं, उसमें मैंने एच प्राचल में आपको बता रखा है एच एफ ई होता है आई सी अपन आई बी। देखो मैं यहीं पर बता देती हूँ, ई का मतलब क्या है, फिर कॉमन अमीटर है, कॉमन अमीटर है तो अमीटर नीचे होगा, बेस इधर होगा और कलेक्टर इधर होगा, ठीक है ना। तो कलेक्टर, ये एच एफ ई क्या है, दरअसल धारा का अनुपात या धारा लाभ भी बोलते हैं इसको, करंट गेन, आउटपुट करंट में इनपुट करंट से डिवाइड करना है। आउटपुट करंट कौन है, आई सी, मैंने कहा ना, ये बीच में कौन है, अमीटर, इधर कौन है बेस, इधर कौन है कलेक्टर, तो आई सी में आई बी से डिवाइड करेंगे। तो देखो ना, आई सी अपन आई बी क्या है, एच एफ ई रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो इक्वेशन थर्ड हो गई, ये फोर हो गई, फोर को थर्ड में रख दीजिए इधर, तो वी सी ई कितना आएगा बेसिकली आपका, ये आपका आएगा वी सी सी माइनस एच एफ ई आई बी, मैंने आई सी की वैल्यू यहाँ रख दी और साथ में आर एल, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे वी सी ई यानी कि ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज है सी और ई टर्मिनल के बीच में। तो अब देखो क्योंकि वी सी सी फिक्स है आपकी, आई बी आपकी फिक्स है, आर एल फिक्स है, लेकिन ये वी सी ई डिपेंड कर रही है एच एफ ई पर, और एच एफ ई किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, याद है कि नहीं आपको मैंने जो ग्राफ बनाया था, ये देखो एच एफ ई और एच आई ई का रेशो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है ना। तो एच एफ ई क्योंकि टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो एच एफ ई चेंज होगा, और एच एफ ई चेंज हुआ तो वी सी ई चेंज होगा, वी सी ई चेंज हुआ तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होगी। दैट मीन्स ये पूरा जो सर्किट होता है फिक्स्ड बायस का, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि टेम्परेचर से इफेक्टिव होता है, टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये रीडिंग अलग देगा, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ताप के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है इसलिए ये कम यूज़ किया जाता है, नियत बायस या फिक्स्ड बायस। अब कैसे पता चला, ताप पे निर्भर करता है इस एच एफ ई से, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन फाइव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिक्स्ड बायस आ गया तो आपको ये सारा काम करना है प्रॉपरली, ठीक है ना, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता आपका एक भी नंबर। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इन इक्वेशन फाइव वी सी सी एंड आर एल इज फिक्स्ड, आई बी भी, वी सी सी एंड आई बी आर एल इज फिक्स्ड, बट इफ देर इज चेंज इन एच एफ ई ड्यू टू टेम्परेचर देन वी सी ई इज ऑल्सो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो बदल जाए, ठीक है ना। देयरफोर फिक्स्ड बायस सर्किट इज टेम्परेचर सेंसिटिव, इज टेम्परेचर सेंसिटिव यानी कि ये ताप से प्रभावित हो जाता है इसलिए इसको कम यूज किया जाता है, कम इफेक्टिव होता है। देयरफोर इट इज यूज्ड, इट इज रेयरली यूज्ड, बहुत कम काम में लिया जाता है, ठीक है, बट पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फिक्स्ड बायस को कंप्लीट कीजिए, कोई इशू है टॉपिक को लेकर, कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेसिकली कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर देती हूँ जब जब मैं देखती हूँ। कुछ और कमेंट अभी पेंडिंग है, मैं देख लूँगी उनको, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, और मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपका सेल्फ और अमीटर बाय सर्किट, वो अच्छा है सर्किट भी, टेम्परेचर सेंसिटिव भी नहीं होता ज़्यादा और ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।